अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो और हर हवे से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके घरों में हैर वाफियत रखे। तो आज है जमात और मुबारक का मुबारक दिन, तो आप लोगों के साथ मैंने कहा कि आज का दिन शेयर करें कि जितना इस दिन की तो फजीलत ईद से भी ज़्यादा है कि हम जितना भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें और अपनी परेशानियों को कम करें। जुम्मे के दिन गुसल करना, मुश्क लगाना और मसवाक करना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना और जमात के साथ जुम्मे की नमाज़ अदा करने का बहुत ज़्यादा सवाब है। तो इंसान जो है वो अपने नफ्स के बारे में सोचता है, जबकि हमारे ही सिर्फ जो रूह है इंसान के अंदर, रूह जो है वो ही काम करती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को चाहिए कि नमाज जुम्मा हरगिज़ तर्क ना करें, वरना अल्लाह ताला जो है वो इसके गुनाहों में इजाफ़ा कर देंगे। जुम्मे के दिन गुसल करना हर बालिग मुसलमान और फर्ज है। अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और अगर जाने अनजाने में हम लोगों से गलतियां हो जाएं तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमें माफ़ फरमा दे। तो आज जुम्मे का दिन है, सब लोग दुआ में याद रखिएगा। मैं भी सबके लिए दुआ करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल फरमाए और जिसके घर में जो भी परेशानी है उसे ख़त्म कर दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।